हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोगों को अपने एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। तो गाइज, आप में से जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबके साथ एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था हिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट का। और प्लस उस वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि आप किस तरह से प्रीवियस ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो उस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था आप सबके साथ, ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पेपर में से लिया गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसका आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको उसके परिचय के साथ स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचय कुछ इस तरह से देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इस सभ्यता का नाम लेते ही मस्तिष्क पर एक ऐसे सभ्यता का चित्र बनता है जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित थी। सिंधु सभ्यता की खोज से पूर्व भारतीय इतिहासकार तथा पाश्चात्य विद्वान भारतीय सभ्यता का आरंभ वैदिक सभ्यता से मानते थे, किंतु 1922 में पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य श्री राखलदास बैनर्जी तथा हड़प्पा की खुदाई का कार्य श्री दयाराम साहनी को सौंपा गया। इन दोनों नगरों के बीच 483 किलोमीटर का अंतर है, किंतु खुदाई में समान अवशेष मिले हैं जो मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के अवशेषों से मिलते जुलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता 3200 से 2750 ईसा पूर्व की मानी जाती है। विद्वानों का विचार है कि ये दोनों सभ्यताएं समकालीन हैं। अब हम ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं जो इस सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य समकालीन संस्कृतियों और पश्चिम एशिया तथा मिस्र के कांस्य युग से अलग करती हैं। सिंधु समय काल को सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने में ऐसा सामाजिक ढांचा बनाया था जो इससे विशेष सांस्कृतिक स्वरूप का महत्वपूर्ण घटक था। यह अपने समय का एकमात्र साक्षर उपमहाद्वीप भूखंड था। अब तक 4000 से अधिक सिंधु अभिलेख पाए गए हैं, परंतु ये अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि ये इस लिपि का प्रयोग वाणिज्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया करते होंगे। इस तरह सिंधु सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है। तो गाइज, इस तरह से आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अपने एग्ज़ाम में लिखना है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको इसके कालक्रम के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कालक्रम के बारे में। ऐसी संभावना नहीं लगती है कि हड़प्पा के विस्तार क्षेत्र के सभी भागों में सभ्यता का विकास प्रक्रिया साथ साथ चली हो। सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। डॉक्टर आर के मुखर्जी इस सभ्यता के कालक्रम 3250 से 2750 ईसा पूर्व निश्चित करते हैं, जबकि डॉक्टर फवरी इसे 2800 से 2500 ईसा पूर्व की मानते हैं। सामान्यता मत ये है कि ये सभ्यता 300 ईसा पूर्व से अथवा इससे भी अधिक प्राचीन रही होगी। भारत की इस प्राचीन सभ्यता को ताम्र पाषाण काल सभ्यता में स्थान दिया गया है। गाइज, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ये एक चार्ट सा नज़र आ रहा होगा। गाइज, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट में एक अच्छा सा चार्ट ड्रॉ करके एग्जामिनर को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो वो एग्जामिनर पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। उस चार्ट के थ्रू एग्जामिनर कम टाइम में आपके आंसर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा, प्लस वो चार्ट एग्जामिनर को आपके आंसर को प्रॉपरली समझाने में हेल्प भी करेगा। तो गाइज, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपने एग्जाम में
हर आंसर में एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर दें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे आंसर दे पाएगा। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थान, उसके बाद मैंने नीचे लिखा है हड़प्पा सभ्यता, फिर मैंने बताया है कि उसकी खोज किसने की, जैसे कि उस हड़प्पा की खोज की श्री दयाराम साहनी ने, कब की, 1921 में। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट बॉक्स में लिखा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, श्री राखलदास बैनर्जी ने, कब की, 1922 में। और इसी तरह मैंने बाकी के बॉक्सेस में भी हड़प्पा के कुछ इम्पॉर्टेंट नगरों के बारे में, शहरों के बारे में एक्सप्लेन किया है, स्थानों के बारे में। तो गाइज़ आप लोगों को भी इसी तरह का एक अच्छा सा चार्ट अपने एग्ज़ाम में बनाना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे से चार्ट के थ्रू अपने आंसर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो एग्ज़ामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और एग्ज़ामिनर उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देगा। तो चलिए अब हम आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार क्षेत्र सीमित क्षेत्र में नहीं था। नवीनतम खोज के अनुसार ये सभ्यता पंजाब और सिंध के अतिरिक्त बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में फैली हुई थी। इस प्रकार ये सभ्यता उत्तर में पंजाब से लेकर रोपण जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तथा पश्चिम में मेरठ तक फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के अतिरिक्त इस सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र चानुदाड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगन थे। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आर्थिक दशा। नदियों के किनारे पर स्थित सिंधु सभ्यता की भूमि उपजाऊ थी, जिसके कारण यहाँ खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। सिंधु विभिन्न क्षेत्रों में चारों दिशाओं में फैले हुई सभ्यता थी, जिनका प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में किया जाता था। लरकान की निम्न सिंधु घाटी में भारी बारिश वाले मैदान, जो कृषि की दृष्टि से सिंधु का संपन्न भाग था, पर सभी स्थानों में मोहनजोदड़ो का वर्चस्व सबसे ज़्यादा था। लरकान झीलों के लिए विशेष था, जहाँ मछली पकड़ने वाले रहते थे। इस तरह अच्छी कृषि के कारण सिंधु सभ्यता आर्थिक दृष्टि से संपन्न थी। तो आपको आर्थिक दशा के बारे में अच्छे से बताना है कि आर्थिक दशा कैसी थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करना है पशुपालन। खेती के बाद पशुपालन का नंबर आता है। जानवरों के अस्थि पिंजर, सीलों तथा मिट्टी के खिलौनों पर बनी आकृतियों से पता चलता है कि कुबड़ वाला बैल, भैंस, भेड़, हाथी, ऊंट पाले जाते थे। ये विभिन्न आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करते थे। उनसे दूध और मांस मिलता था। ये परिवहन के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। तो इस तरह से ये लोग पशुपालन भी अच्छे से करते थे। तो पशुपालन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग धंधे। खेती और उद्योगों के विकास से उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था। हड़प्पा व्यापारी अपने माल को देश में और बाहर ले जाते थे। सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। स्थल व्यापार बैलगाड़ियों और जानवरों की सहायता से होता था। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों में से एक लोथल था, जिसे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता था। इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के लोग दूर दूर के देशों के साथ व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार किया करते थे। इसके अलावा हड़प्पा वासी अन्य देशों से सामान निर्यात भी किया करते थे, जैसे हड़प्पा के लोग सोना मैसूर से, चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से तांबा बलूचिस्तान से भी सामान मंगाया करते थे। ईरान से सेल खाड़ी आदि मंगवाया करते थे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में आप सबको बताऊंगी नगर योजना के बारे में। तो नगर योजना में सबसे पहला पॉइंट है स्थापत्य कला। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का विशेष महत्व था। हड़प्पा काल में सिंधु घाटी के मैदानों और पंजाब में रहने वाले लोगों ने ऐसे सुनियोजित शहर बनाए थे कि उन जैसे ईरान, मिस्र या पश्चिम एशिया में भी नहीं दिखाई देते थे। ऐसे लोगों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे महानगर थे। उस समय नगर नियोजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। नगर नियोजन की एक रूपात शहरों, गलियों, इमारतों, ईंटों का आकार, नालियों आदि से पता चलता है।
ये केंद्रीकरण और चुस्त प्रशासन का नतीजा थे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से बताना है स्थापत्य कला के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलियों का निर्माण। हड़प्पा शहर कई बड़ी गलियों में विभाजित था। गलियां शहरों को कई ब्लॉक में बांटती थी। मोहनजोदड़ो में उनकी चौड़ाई 2.07 मीटर से 10.02 मीटर तक थी। ये कभी कभी आधे मील तक सीधी चली जाती थी। वे समकोण पर कटती थी और शहर चकोर या आयताकार ब्लॉक में बांटती थी। इन ब्लॉकों का क्षेत्र फिर अनेक छोटी लेंस में काटा करता था। लाइन में मकान होते थे। प्रत्येक लाइन में सार्वजनिक कुएं होते थे। मैसूर की भांति कहीं भी कोई इमारत सार्वजनिक पथ पर अतिक्रमण नहीं करती थी। मोहनजोदड़ो और कालीबंगन की सड़कें पक्की ईंटों की मिट्टी की बनी थी। सड़कों का विन्यास इस प्रकार से था कि हवा स्वयं ही सड़क को साफ करती थी। सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़ा फेंकने के लिए सड़कों के किनारे गड्ढे होते थे। पानी का जमाव के लिए सड़कों को चिकना बनाया जाता था ताकि उन पर पानी जमा ना हो, मकान को क्षति ना पहुंचे। इसलिए गलियों के कोने पर लकड़ी के जंगले लगा दिए जाते थे। लोथल से चार गलियां मिली हैं। गली के एक तरफ 12 मकान की कतार मिली है। नेक्स्ट पॉइंट में इमारतों के बारे में आपको बताना है। तो इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त हुए निवास घरों के अवशेषों से मकानों के आकार में विभिन्नता का पता चलता है। छोटे मकानों में दो से अधिक कमरे नहीं होते थे। कमरों में दीवारों के साथ अलमारी बनाने की प्रथा थी। सामान्यतः घरों में कई कमरे, एक रसोई, आंगन, शौचालय, गुसल खाना विशेषता थी। सीढ़ियाँ अंदर के छोर से ऊपर की मंजिल पर जाती थीं। कुछ मकानों की ऊंचाई 7 मीटर तक भी अनुमानित की जाती है। ऐसा भी पता चलता है कि दरवाजे शायद लकड़ी के होते थे और दीवारों के अंत में लगाने की जगह लगते थे, ना कि मध्य में। घरों के बाहर दीवार पर खिड़की नहीं होती थी। कालीबंगन के मकानों के फर्श कटाई कर बनाए गए हैं। हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में अलग अलग काम करने वाले लोगों के लिए अलग अलग मकान होते थे। मकानों में पक्की ईंटों का उपयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है सार्वजनिक इमारतों के बारे में। आम नागरिकों के निवास के अलावा कुछ विशेष सार्वजनिक इमारतें भी अवशेष में मिल हैं, जैसे माल गोदाम, विशाल भवन जिसका उपयोग सार्वजनिक उत्सवों के लिए किया जाता था, स्नानागार जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां थी, कई दो मंजिल कमरे बने हुए थे, इसमें पास ही एक कुआं ताज़े पानी से भरा होता था। तो इस तरह से आपको सार्वजनिक इमारतों के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता समकालीन कांस्य युगानी संस्कृति जैसे मेसोपोटामिया की मैसूर सभ्यता और पुराने मिस्र साम्राज्य से अनेक बातों में मेल खाने के बाद भी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। सिंधु सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक भूभाग में फैली हुई थी। ये सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी नगरीय संस्कृति वाली सभ्यता थी। इस सभ्यता में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की तरह भव्य धार्मिक पूजा स्थल, विशाल समाधि स्थल अथवा राजाओं के लिए शानदार महल नहीं बनाए जाते थे। इस सभ्यता की विशिष्ट पहचान थी अपने नागरिकों के लिए ऐसी नगरीय सुख सुविधाओं की प्रणाली जो उस समय के सभ्य जगत के अन्य हिस्सों में शायद ही पाई जाती थी, जैसे स्नानागृह समेत बड़े घर, काम के लायक सड़कें और गलियों का नेटवर्क, जल निकास की व्यवस्था। मोहनजोदड़ो के हर तीसरे घर के लिए बेलनकार कुओं से स्पष्ट होता है कि उस सभ्यता के निवासी अपने समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र निवासियों की तुलना में कितने अधिक सुविधा से लैस थे, जिन्हें निकटतम नदी से बाल्टी से पानी भर भर कर लाना पड़ता था। गाइज, यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन में कंप्लीट सारे पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि विदाउट निष्कर्ष आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए आप लोगों को निष्कर्ष ज़रूर लिखना है लास्ट में। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप निष्कर्ष कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सिंधु सभ्यता का समय काल
भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस समय विकसित हुई संस्कृतियाँ अपने समय की सबसे सभ्य संस्कृतियों में से एक मानी जाती हैं। इस सभ्यता की नगरीय योजना से ये साबित कर दिया है कि उस समय नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। इस तरह से ये सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक सभ्यता मानी जाती है। तो गाइस, अब इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, बिकॉज हड़प्पा वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर 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 आएगा। तो आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से कर जाना है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है, तो अगर आप लोग लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।